हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे जो ब्लैकहेड्स हो जाते हैं उसको हम रिमूव कैसे करें। और गाइस, ये 100% ये ट्रिक आप पे वर्क करने वाली है। तो गाइस, क्या है कि आज हम जब बाहर जाते हैं तब हमारी स्किन पे धूल या मिट्टी वो लग जाती है, उसकी वजह से भी हमारा फेस एकदम डल हो जाता है, उसकी वजह से हमको ब्लैकहेड्स आ जाते हैं। हमारे फोरहेड पर होते हैं, नोज पर, ज़्यादातर हमारे नोज पर होते हैं, या फिर हमारी चिन पर, वहाँ पर ब्लैक हेड हो जाते हैं। तो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये हम फेविकोल की हेल्प से हम अपने ये देख सकते हैं गाइस, आप फेविकोल की हेल्प से आज हम हमारे जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसको हम रिमूव करेंगे। और गाइस, ये स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। वो क्यों हार्मफुल नहीं है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि गाइस, हम क्या करते हैं जब हम ड्रॉइंग या क्राफ्ट करते हैं तो उसमें हम ये यूज़ करते ही है, तो कई बार हमारी स्किन पर लग जाती है तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। और पर्सनली मैंने खुद ये 2 बार अपनी स्किन पर यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज, हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से हमारी नोज पर एक थीन लेयर बना लेनी है, उसी तरह से। तो गाइज, इस तरह से हमें अपनी नोज पर एक थीन लेयर बना लेनी है। ये देख सकते हैं गाइज आप। आप अपने फोरहेड पे या चिन पे, वहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स हो तो आप वहाँ पर भी इस तरह से एक थीन लेयर बनाकर आप वहाँ भी लगा सकते हैं। अब क्या करना है गाइज आपको, अब आपको अपनी फिंगर से ये सब अपने नोज पर स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। तो देख सकते हैं आप गाइज, मैंने अपने पूरे नोज पर ये फेविकोल लगा दिया है। तो अब क्या करना है गाइज, अब हमको इसको सूखने का वेट करना है। जब तक ये सूख जाए उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। तो अब हमको 15 to 20 minutes का वेट करना होगा गाइज। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि 15 मिनट मुझे ये सूखने में लगा है, और ये देखिए ये इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो चलिए गाइज, अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हमें इसको रिमूव करना है गाइज। आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। और गाइज, जो मेरे पूरे ब्लैक हेड्स होते हैं वो पूरे इसमें आ गए हैं। और आप देख सकते हैं गाइज कि मेरी नोज बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। पहले जो थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे नोज मेरी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। तो गाइज, उसमें मुझे क्या है कि मुझे 5% ही पेन हुआ। जो हम मार्केट से नोज स्ट्रिप या पील ऑफ मास्क लेते हैं उसमें हमको क्या होता है गाइज, 80 to 90% हमें पेन होता है। और मैंने अभी जो ये ट्राई किया उसमें मुझे सिर्फ 5% ही पेन हुआ है। तो ये एकदम आपको पेन नहीं होगा, और आपके ब्लैक हेड्स जो होंगे वो भी आपसे रिमूव हो जाएंगे। अब गाइज, आपको क्या करना है कि नॉर्मल पानी से आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। तो गाइज, एक बार आप भी ये ट्राई करना। और गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।